न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीति का में आप सभी का स्वागत है। आज किस्सा राजनीति का की शुरुआत से पहले हम आपको एक कहानी सुना देते हैं। कहानी है एक महिला की जिसने आज से करीब 4 साल पहले एक कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ कांड के बाद ये महिला सुर्खियों में छा गई। थप्पड़ मारने वाली महिला का नाम था स्मिता और हैरानी होगी आपको जानकर कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि ठाकरे खानदान की बहू थी, स्मिता ठाकरे। आप सब जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे का परिवार काफी बड़ा है और ये बड़ा सा परिवार अपने कई किस्सों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बड़े से परिवार ने कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो अपने आप में समेट रखी हैं। इस परिवार के हर एक सदस्य की एक अपनी ही स्टोरी है, एक अपना ही किस्सा है और ये किस्से, ये कहानियां हम आपको अपने खास प्रोग्राम किस्सा राजनीति का के जरिए सुनाते रहते हैं। तो आज हम आपको ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे से जुड़ी कुछ बेहद खास जानकारियां देंगे। आज से पहले जब ठाकरे परिवार की बहू का नाम आता है तो आप लोग रश्मि ठाकरे के बारे में सुनते हैं या राज ठाकरे की पत्नी के बारे में सुनते हैं, लेकिन जयदेव ठाकरे की पत्नी स्मिता का जिक्र अखबारों की सुर्खियों में भी बहुत कम होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे ने 3 शादियां की थी। पहली शादी चल नहीं पाई, तलाक हो गया। दूसरा विवाह उन्होंने किया स्मिता से, जो एक रिसेप्शनिस्ट थी, पार्लर भी चलाती थी। इसी के दौरान स्मिता का मातोश्री में आना जाना शुरू हो गया। जयदेव को हो गया स्मिता से प्यार, दोनों ने शादी करने का फैसला किया, मगर अफसोस ये शादी भी चल नहीं पाई। बाला साहेब ठाकरे के बेटे ने स्मिता को तलाक देने का फैसला जरूर कर लिया, लेकिन बाला साहेब ने स्मिता को बहू माना और बहू के तौर पर उसे प्यार करना जारी रखा। आपको बता दें कि तलाक के बावजूद स्मिता मातोश्री में रहती थी। और तो और बताया ये भी जाता है कि बाला साहेब ठाकरे की जो वसीयत है, जो विल है, उसमें स्मिता का भी नाम है, यानी उन्होंने अपनी जायदाद का एक हिस्सा, मातोश्री का भी एक हिस्सा स्मिता और स्मिता के बच्चों के नाम किया है। स्मिता के 2 बच्चे हैं। पहले का नाम है राहुल, जो डायरेक्शन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, और दूसरे बेटे का नाम है ऐश्वर्य, जिसे लेकर बहुत ज्यादा ना तो चर्चे होते हैं और ना ही सुर्खियां सुनने में आती हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। हम आपको लगातार बाला साहेब ठाकरे के परिवार के मुस्लिम दामाद के बारे में बता चुके हैं, जिन्हें लेकर बवाल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक में मच चुका है। हम आपको बता चुके हैं बाला साहेब ठाकरे के परिवार की बहू मिताली के बारे में। हम आपको बता चुके हैं राज ठाकरे की बेटी के बारे में। तो अब इस परिवार की बहू स्मिता ठाकरे के बारे में भी जान लीजिए। वो जानकारियां, वो बातें जो आज से पहले आप शायद ही जानते हों, सुनिए जरा बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान के साथ बाला साहेब ठाकरे की ये बहू स्मिता नजर आ चुकी हैं। बॉलीवुड की दुनिया में अक्सर चकाचौंध भरी शाम में पहुंचती हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं, लेकिन स्मिता का कैसे रिश्ता बाला साहेब ठाकरे के साथ जुड़ा, सुनिए जरा। महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग देखने को मिल रही है। इस जंग के बीच बाला साहेब ठाकरे का पूरा परिवार सुर्खियां बटोर रहा है। परिवार के सदस्यों से जुड़ी वो खबरें जो आज से पहले जनता जानती तक नहीं थी, अब खुलकर सामने आ रही है। इस कड़ी में आज हम आपको बाला साहेब ठाकरे के परिवार की एक ऐसी बहू के बारे में बताएंगे जिसका नाम भी आपने आज से पहले शायद ही सुना हो। बीते दिनों बाला साहेब ठाकरे के मुस्लिम दामाद को लेकर सोशल मीडिया पर हुए दावों से हमने आपको रूबरू करवाया। उसके बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच चचेरे के साथ साथ मौसेरे भाइयों के संबंध की जानकारी भी हमने आपको दी। और चलिए अब आपको बताते हैं ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे के बारे में। आपको बता दें स्मिता ठाकरे एक वक्त पर पासपोर्ट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी, बाद में
बाला साहेब के बेटे जयदेव के साथ उन्होंने शादी की। आपको बता दें, बाला साहेब ठाकरे का उस दौर में महाराष्ट्र में प्रभाव चरम पर था। स्मिता पति से अलग हैं, लेकिन स्मिता ठाकरे अपने नाम के आगे आज भी लिखती हैं। बाला साहेब की पत्नी के निधन के बाद मातोश्री को स्मिता ने ही संभाला। उनका नाम स्मिता चित्रे है, लेकिन उन्हें इस नाम से कम ही लोग जानते हैं। स्मिता का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि नामी गिरामी उद्योगपतियों से लेकर छोटे शिव सैनिक तक को स्मिता की अनुमति से बाला साहेब से मिलने दिया जाता था। यानी अगर बहू स्मिता की अनुमति ना हो तो बाला साहेब ठाकरे से कोई मिल तक नहीं सकता था। 1995 से 1999 तक शिवसेना और भाजपा का महाराष्ट्र में शासन था। स्मिता ठाकरे के पास इतने अधिकार थे कि वो सीधे मुख्यमंत्री से किसी भी सिलसिले में बात कर लिया करती थी, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हो या फिर नारायण राणे। इसी दौर में सियासत से हटकर स्मिता फिल्में बनाने लगी। पिछले दिनों टैक्सी से मंगलुरु दर्शन करने जब वो गई तो उसे लेकर काफ़ी बवाल भी मचा, जब स्मिता ने एक ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि स्मिता लगातार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, ये 4 साल पुराना किस्सा है। टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ मारकर चर्चा में आई स्मिता ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे की बहू के तौर पर आज भी जानी जाती हैं। आपको बता दें, बाला साहेब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव से स्मिता ठाकरे की शादी हुई। जयदेव और स्मिता हालांकि बाद में अलग हो गए। बताया जाता है कि जयदेव ठाकरे ने 3 शादियां की। पहली शादी जयश्री कालेकर से, दूसरी शादी स्मिता ठाकरे से, और ये दोनों ही शादियां नहीं चली। स्मिता से शादी टूटने के बाद जयदेव ने तीसरी शादी अनुराधा के साथ की और मातोश्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन स्मिता मातोश्री में ही रही। स्मिता को छोड़कर तीसरी शादी करने का फैसला जब जयदेव ने बाला साहेब ठाकरे को बताया तो बाला साहेब ठाकरे ने अपने बेटे की इस मर्जी का विरोध किया। नतीजा ये निकला कि पिता और बेटे में दूरियां बन गई। बाला साहेब ठाकरे और जयदेव एक दूसरे से खफा हो गए। जयदेव ने मातोश्री छोड़ दिया और तलाक के बावजूद स्मिता मातोश्री में ही रहने लगी। बताया जाता है कि बाला साहेब ठाकरे की वसीयत में एक हिस्सा स्मिता को भी दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बाला साहेब ठाकरे की वसीयत के अनुसार मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर पार्टी के काम के लिए रखा गया है। बंगले की पहली मंजिल स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे के बेटे ऐश्वर्या को दी गई है। स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे को वहां रहने की इजाज़त नहीं दी गई, पर इस फ्लोर के मेंटेनेंस का खर्चा स्मिता को उठाना पड़ेगा। बंगले का सबसे ऊपरी हिस्सा बाला साहेब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को दिया। इसके अलावा करजत और भंडारधारा की 2 प्रॉपर्टी भी उद्धव के नाम दी गई। वहीं अगर आपको स्मिता ठाकरे की निजी जिंदगी के बारे में खास जानकारी दे तो आपको बता दें, ठाकरे परिवार की बहू बनने से पहले वो मुंबई के पासपोर्ट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इसी पार्लर में जयदेव की पहली पत्नी जयश्री कालेकर अक्सर आया करती थी। जयदेव और स्मिता के बीच इसी दौरान दोस्ती हुई, स्मिता का मातोश्री आना जाना शुरू हुआ, स्मिता और जयदेव में नजदीकियां बढ़ी। जयदेव ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया और स्मिता से शादी की। आपको बता दें, फिल्म प्रोड्यूसर बाद में स्मिता ठाकरे बनी। अपने दिवंगत ससुर बाला साहेब ठाकरे की बायोपिक बनाने की उनकी इच्छा रही। आपको बता दें, स्मिता के बेटे राहुल हैं जो डायरेक्शन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। स्मिता कई बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं, सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक की पार्टीज में नजर आती हैं, बॉलीवुड शोज में शिरकत कर चुकी हैं। स्मिता का दूसरा बेटा ऐश्वर्य हालांकि अभी पढ़ाई कर रहा है। तो देखा आपने किस तरह से बाला साहेब ठाकरे के परिवार की ये बहू स्मिता हमेशा सुर्खियों में बनी रही। एक वक्त तक हमेशा बाला साहेब ठाकरे का उन्होंने ख्याल रखा, और हमने आपको स्मिता का रुबाब भी बता दिया कि कैसे
जब बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी 1995 से लेकर 1999 तक, तब स्मिता थी जिनके पास ये अधिकार था कि वो मुख्यमंत्री से बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकती हैं, और तो और बाला साहेब ठाकरे से मिलने के लिए भी लोगों को स्मिता से इजाजत लेनी पड़ती थी। आज के लिए किस्सा राजनीति का में इतना ही, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही तमाम दिलचस्प किस्सों के लिए हम करते रहेंगे आपसे मुलाकात, और आप हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रहिए अपडेटेड।